क्यों नहीं मरते, मैं क्यों मरती रहती हूँ? और कसम से अगली बार तुम नहीं मरोगे तो मैं भी नहीं मरूंगी। बोले बाबा, बोले अब तुम्हें ये भी आफत है कि मैं क्यों नहीं मरता हूँ। पार्वती बोली, हाँ तुम बताना पड़ेगा तुम क्यों नहीं मरते, मैं क्यों मरती रहती हूँ। तो बोले बाबा ने कहा, मैं इसीलिए नहीं मरता हूँ क्योंकि मैं एक कथा जानता हूँ। कथा? अरे वो कथा मुझे क्यों नहीं सुनाते हो? बोले बाबा, बोले माफ करना, कथा वो हम तुम्हें नहीं सुना सकते। क्यों? पार्वती बोली, नहीं सुनाई ना तो मैं अपने चली जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? अपने घर। ये तो माताओं के अंदर खासियत होती है, ऐसा काम नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी, ऐसा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी। पार्वती बोली, मुझे तो पता था, वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी ने मेरी आकर के आंखें खोल ली, वरना मैं इस अंधेरे में पड़ी रहती। बोले बाबा ने कहा, नारद जी? हाँ, नारद जी कब आए? पार्वती बोली, तुम्हारा आना हुआ, उनका जाना हुआ। बोले बाबा ने विचार किया, वही हम उतनी देर से देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अरे नारद जी ने अपना चक्कर लगा दिया, बस यही गड़बड़ हो गई। जहाँ नारद जी का चक्कर लग जाए वहाँ बिना झगड़ा होए हो बच ही नहीं सकता, बस यही गड़बड़ हो गई। नारद जी ने अपना चक्कर लगा दिया। पार्वती बोली, देखो मुझे भी कथा सुना। कौन सी कथा है? बोले बाबा, बोले अमर कथा है। अमर कथा हम जानते हैं, हम अमर हैं और हम पार्वती कभी नहीं मरेंगे, और जो भी इस कथा को जानता है वो कभी नहीं मर सकता है। पार्वती बोली, तो कथा देखो हमको भी सुनाओ। पार्वती हट कर गई, कथा सुनाओ और सुनेंगे और तुम्हें सुनानी पड़ेगी। तो पार्वती हट कर गई तो भोले बाबा ने पकड़ी पार्वती की कलाई और एक गुफा के अंदर ले गए। डमरू बजाया, सारे पक्षी उड़ गए। उस गुफा के अंदर केवल एक घोंसला रखा है, उसमें एक तोती का अंडा रखा है। और भोले बाबा कथा सुनाने लगे। पार्वती से बोले, हुकरा देती रही हो, अगर तुमने हुकरा देना बंद किया तो मैं कथा भी सुनाना बंद कर दूंगा। पार्वती बोली, बाकी चिंता तुम ना करो, हुकरा तो हम देती रहेंगे लेकिन तुम कथा सुनाओ। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन हुआ क्या? बाम अंग पे महादेव जी ओ बैठे आसन मा, अमर कथा को लगे सुनाने कोरा के त्रिपुरारे। लेकिन क्या हुआ? उमा के परे गए सोता, हुकरा दे रो तोता। उमा के परे गए सोता, हुकरा दे रो तोता। कुछ देर पार्वती सोती रही और कुछ देर के बाद नींद आ गई तो सो गई। तब तक अंडा फूट गया, तोता बन गया और कथा सुनने लगा। पार्वती की आवाज में ही हुकरा देने लगा। ओ माँ के मर गए सोता, हुकरा दे रो तोता। ओ माँ के मर गए सोता, हुकरा दे रो तोता। Oh,
तब तक वो तोता हुंकरा देने लगा पार्वती की आवाज में। लेकिन ये सत्य है, पार्वती को ही नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कथा में नींद आ जाती है, पार्वती को नहीं। बहुत अच्छी नींद आती है, कुछ लोग तो अफर के सो लेते हैं। कुछ माताओं का सोने का मन करे ना तो घूंघट नीचे की सोने में लगी पड़ी है। बहुत से लोग कथा में बैठे बैठे सो लेते हैं और पूछो कथा कहाँ चली तो कह रहे हो पंडाल के नीचे, पता ही नहीं कहाँ चली। कथा में अक्सर कर लोगों को नींद आ जाती और बहुत अच्छी नींद आती, बहुत अच्छी नींद। लेकिन कथा में नींद हरे किसी को नहीं आती, कथा में नींद हमेशा उन्हीं को आती है जिनके ऊपर कलयुग की महान कृपा होती है। उन्हीं को कथा में नींद आती है, किसको आती है? जिसके ऊपर कलयुग की कृपा होती है। सबसे ज्यादा ये नींद कहाँ गई और कहाँ जाती है? और जहाँ भी ये नींद गई वहाँ बर्बादी के सिवा कुछ मिला ही नहीं। तो सबसे ज्यादा नींद ये कहाँ गई? आइए बड़ा सुंदर भजन आप सभी मेरे साथ में तालियों का साथ देकर बोले कि सबसे ज्यादा ये नींद कहाँ जाती है। तालियों का साथ देकर बोलिए कहाँ कर दिया भाई के घर जाइए। किसके घर पर? कर दिया भाई के घर जाइए। ओ जा घर राम भजन ना हो, निदिया भाई के घर जाइए। जा घर राम भजन ना हो। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा प्यास लग रही है, पानी चाहिए। लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए, तब तक क्या हुआ? अरे लक्ष्मण जी जो नो पानी लेने गए, सीता जी गई सो, निदिया भाई के घर जाइए। जागर राम भजन ना हो। सभी गाइए तालियों का साथ देते हुए जय हो। Oh, yeah, Sanjay Kumar ki।
सीता जी सो गई। लक्ष्मण घोर जंगल में सीता जी को छोड़कर चले आए। और सुनिएगा, और ये नींद कहाँ गई? ए पार्वती सब कर से बोली कथा सुनाए देओ पार्वती सब से बोली कथा सुनाए देओ पार्वती संग कर से बोली कथा सुनाई दे पार्वती संग कर से बोली कथा सुनाई दे Oh,